आप सही थी डॉक्टर सुमन, मस्कुलर स्प्रेन है। बाकी दवाइयों के साथ भी मैंने पेन किलर्स लिख दी हैं। एंकल मूवमेंट थोड़ा कम होगा, बट आपको कंप्लीटली एक हफ्ते रेस्ट करना है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है डॉक्टर, एक्चुअली कल मेरी मैच है। आई होप मुझे एक डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। इंजरी ठीक हुए बिना अगर कुछ करेंगी तो इंजरी बढ़ सकती है। सुन बेटा, लगी है तो फिर लाइटली नहीं लेना है। एक हफ्ते की बात है, आपका फिट होना मैच से ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पुत्र, तो दिल छोटा नहीं कर। और ये कौन सा आखिरी मैच है? सबसे बढ़िया बात ये है कंपटीशन की कि ये मैच हर साल होता है, तो तुम नेक्स्ट ईयर खेल लेना। हाँ, आइस पैक से सिकाई कीजिएगा और इसको बांध लीजिएगा, इससे इंजरी जल्दी हील हो जाएगी। जुमरी, जल्दी से नीचे जाकर ना आइस पैक लेकर आ, फ्रिज में रखा है। जी। ओके, कुछ भी जरूरत हो तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सुमन, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। इस मैच में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन था ना तुम्हारा सुमन, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो अगर तुम्हें और ज्यादा चोट लग जाती फिर क्या होता? सब अच्छा हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाओगी तुम। आई थिंक अब काफी देर हो गई है, आप लोग भी सो जाइए और सुमन को भी आराम की जरूरत है ना मम्मा? तो आप लोग अभी सो जाइए जाके। भैया मैं रुक सकती हूँ क्योंकि आपको भी सुबह जाना होगा ना काम के लिए, तो भाभी के पैर की सिकाई मैं कर दूंगी। अम्मी थैंक यू सो मच, अभी ना काफी देर हो गई, तुम भी सो जाओ और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये बर्फ ले आए हैं जी। थैंक यू जुमरी दी, गुड नाइट। ठीक लग रहा है? ठीक नहीं श्रवण, सब कुछ खराब हो गया। मैंने जिस दिन के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की और देखो मैं खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये तो वही बात हो गई ना कि मैदान में उतरे बिना ही हार मान ली। सुन तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? हाँ, चोट लगी है तुम्हें, इसमें ना किसी की गलती और ना ही किसी की हार। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा फिट रहना, तुम्हारा हेल्दी रहना, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। तो भी इतना मत सोचो तुम। रुको, मैं खुद कर लेती हूँ। बात करने में भी एनर्जी खर्च होती है, तो भी ना तुम चुपचाप लेटो और डॉक्टर श्रवण को अपना काम करने दो। चलो ठीक है।
श्रवण क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा शिकायत करने से भी प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं तुम लेटे रहो। आपने शायद जानती नहीं और आपको शायद ये जान के हैरानी भी हो कि मेरी बीवी बिना एक डॉक्टर ही है। तो इतना तो सीख ही गया उनसे, इसीलिए ना मैं बीच में ब्रेक लेके आइसिंग करा। बस बस अब ज्यादा बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टनेस भी अपनी बीवी से ही सीखी है। सो जाओ। जुमरी तू नीचे क्यों आ गई? तुझे ऊपर भेजा था कि सुमन को सामने बैठाकर अच्छे से नाश्ता करा देना, तू दो मिनट में नीचे आ गई। वो सुमन दीदी ने ही हमें नीचे भेज दिया जी। सुमन को लगा होगा कि तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जुमरी तुझे तो रुकना चाहिए था ना। हमको लग रहा है कि हमको फिर से ऊपर जाना चाहिए जी। अरे नहीं नहीं जुमरी दी, सुमन तुम नीचे क्यों उतर रहे? आराम से। बेटा तुमने यूनिफॉर्म पहन लिया, काम पर जा रहे हो? जी चोट तो लगी है इसलिए खेल नहीं सकती, पर ड्यूटी तो निभानी है ना पापा, और भी बहुत काम होते हैं। तो सुमन एक दो दिन की छुट्टी तो ले ही सकती हो ना बेटा। सुमन सब लोग तुम्हारी चिंता करते हैं तभी तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, और चाची ठीक तो कह रही है, ऐसे दवाई लेके कब तक बैठोगी? एक दो दिन की छुट्टी। श्रवण मैं ठीक हूँ, अपने पैरों को आराम भी दे रही हूँ, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। बेटा आप संभाल के जाना और अपना ख्याल रखना। जी सुमन, जैसे टाइम आया ना वैसे ही चला भी जाएगा, बस हमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है? चल आराम से। हाँ रस्ट अच्छे तो दोनों ही लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हेलो। हाँ बंटी एक कलर चूज करो, ब्लैक या रस्ट। तुम सो रहे हो क्या? जल्दी से कलर चूज करो, ब्लैक या रस्ट। ब्लैक। ओह माय गॉड, तुम बिलीव नहीं करोगे मैं भी ब्लैक ही सोच रही थी। चलो किसी एक चीज में तुम्हारी चॉइस मैच हुई। पर शायद हमारा मूड आज मैच नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था कि आज मैं तुम्हारी तरह हैप्पी और एक्साइटेड रहूंगी, पर तुम ठीक हो बंटी? कुछ नहीं, वो बस पेट दर्द कर रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे बीमारी का बहाना कभी नहीं करते। मैंने तो तुम्हें सच्चा दोस्त माना था, पर तुम तो मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ क्या हुआ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। जिस लड़के ने पहले हमारा दिल तोड़ा उसका ब्याह हो रही है पर किसी और के साथ, पर दिल की बड़ी अच्छी है वो, उसने हमको अपने शादी का कार्ड भेजा ये बताने के लिए कि उसके नोकीले सैंडल से हमारे दिल पर लात मारकर विदाई हो जाएगी उसकी। लगता है तुम अभी भी काफी प्यार करते हो उससे। प्यार? हम उससे? अगर सामने दिख गए ना हमको वो कंचा तो बताए क्या करेंगे हम? उसको कहेंगे चल हट। तो फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? उदास नहीं, जो कार्ड ने हमको एहसास दिला दिया कि जिंदगी में सब लोग आगे बढ़ेंगे,
सब आगे बढ़ जिएंगे, पर हम हुआ क्यों हुआ है? एकदम वो स्टैचू की तरह हम भी ना तुमको दफ्तर के लिए लेट करा दिए, तुम जाओ कंचा। हाँ बाय। क्या करूं इसके लिए, काफी परेशान है। ये सब लाइफ में लगा ही रहता है मेजर सुमन, डोंट वरी। आप रेस्ट कीजिए और पहले की तरह अपनी ड्यूटी पर वापस लौटिए। यस सर। आज के मैच की ऐसी तैयारी हुई ना ग्राउंड पे, सब देखते रह जाएंगे। अभी वहीं से आ रहा हूँ सर। एंड मैम, आप जीत के लिए रेडी हो जाइए, बकायदा चेयरिंग स्क्वाड तैयार है आपके लिए वहाँ। कैप्टन बसी, मेजर सुमन कल के मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। क्या हुआ सर? Excuse me, please. Sir. मुझे पता है इसकी शादी का कार्ड है, तब छुपाने का कोई मतलब नहीं है बंटी। अब इसे लो, जलाओ और जाके बाथरूम में फ्लश कर दो। ओ माता कंचा चीना, जो पिक्चरों में करते हैं आजकल लोग, जो कोई फिल्म नहीं है, हमें जिंदगी है, जो यहाँ कमबख्त गटर में फ्लश होगी। कुछ नहीं होता उनका जो जलाने से, जिनकी जिंदगी पहले से जल रही हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब डायलॉग मारना बंद करो। सेकेंडली, उन इडियट्स की तरह बिहेव मत करो जिन्हें हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आती है। क्या मतलब इससे कुछ नहीं होता? अच्छा, तुमने ट्राई किया है? नहीं ना, तो आप उठो और करो ट्राई। कम ऑन बंटी, इतना सोचो मत, करो। चलो बंटी कर दो। अरे क्या करे? जाओ जाओ जल्दी जाओ बाथरूम में फ्लश करने से। हाँ? भागो। हाँ। हो गया। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको लाइफ में पहली बार ऐसा स्टूपिड काम करके? सच्ची बोले तो कार्ड से हमको जीरा भी फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे यहाँ आने से हमको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी परवाह हमारे लिए सब बहुत अच्छा लग रही है। ओ हेलो, कहाँ खो गए तुम? बताओ। कुछ नहीं, अब बहुत अच्छा लग रही है। See, I told you. और तुम बिल्कुल चिंता मत करो बंटी, मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी अब। पर हमको कोई कौन क्यों पसंद करेगा ना, मतलब हम थोड़ी ना स्मार्ट भी दिखते हैं। हेलो, एक सेकंड। तुम अच्छे दिखते हो, सबको खुश रखते हो, रिश्तों की अहमियत समझते हो, तुम्हें कोई क्यों ना पसंद करेगा? इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो और बस देखते जाओ। सोन बेटा, लगी है तो फिर लाइटली नहीं लेना है ना, एक हफ्ते की बात है, आपका फिट होना मैच से ज्यादा जरूरी है। और नहीं तो क्या, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये कौन सा आखिरी मैच है? सबसे बढ़िया बात ये है कंपटीशन की कि ये मैच हर साल होता है, तो तुम नेक्स्ट ईयर खेल लेना। मेजर सुमन कल के मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सुमन, समन,
इतना क्यों सोच रही तुम? जितना तुम सोच। मैं कुछ नहीं सोच रही श्रवण, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। देखो ना कितनी पेंडिंग फाइल्स है। कुछ काम था तुम्हें? I'm sure तुम्हारे पास भी 10 चीजें हैं करने। तो क्या ना, काम तो हमेशा होते ही रहेंगे। मैं तो भी सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मिलने आए हो या मुझे देखने आए हो कि मैं ठीक हूं या नहीं? कहीं रो तो नहीं रही? जितना मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी सुमन रोने वालों में से। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम इस टाइम क्या फील कर रही हो। तो तुम पेप टॉक देने आए हो बाकियों की तरह। आई नो, तुम भी यही कहना चाहते हो ना कि मुझे अपने पैर पर ध्यान देना चाहिए, मैच को भूल जाना चाहिए। मैच तो आते जाते रहते हैं, राइट? रूम वो क्या है ना सुमन, हर सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सुमन, करना है या छोड़ना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें दोनों रास्ते पता होने चाहिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। और हाँ, तुम जो भी फैसला लोगी ना, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। शांतम, पहले मेरी बात तो सुन लो पूरी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट गेम खेलो। तुमसे झूठ नहीं कहूंगा सुमन, पर पहले मैं भी दूसरों की तरह सोचने लगा था। और फिर मुझे फिर मैंने तुमसे हमेशा कहा है ना, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर विजय अंकल इस सिचुएशन में होते तो वो क्या कहते। और फिर मुझे उनकी कही हुई एक लाइन याद आ गई और मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। वो हमेशा कहते थे ना, आर्मी में अपनी यूनिट का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा जाता। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। इसीलिए बड़ी सिस्टम बनाया गया। अगर आप अपने बड़ी के साथ, अपनी यूनिट के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। कि हम सिपाहियों के लिए खेल जंग से कम नहीं होता। और एक सिपाही जंग में तब तक लड़ते हैं जब तक उसकी सांसें चलती हैं, तब तक लड़ता है जब तक वो जिंदा है। गिवअप करना ऑप्शन ही नहीं होता। दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सुमन के कर्नल विजय अंकल की बेटी उनके बात से एग्री है ना? तुम्हारे अंदर भी वही एक सिपाही है सुमन, और वो भी यही चाहता है। पीछे हटना भी एक ऑप्शन नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द होगा, थकान होगी, रुकने का मन करेगा, पर तुम्हें लड़ना है। मैच शुरू होने वाला है ना सुमन, अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं ये तुम्हारा फैसला है। पर एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ। ऑल राइट बॉडी, की तुझे क्या लगता है तुम दोनों की भाभी मिल गई क्या? हाँ शायद। थैंक्स यार, तेरा कॉन्फिडेंस देख के तो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजर सुमन मल्होत्रा और मेजर श्रेया मिश्रा के बीच होना था, लेकिन कल रात अचानक हुई मेजर सुमन की एंकल इंजरीज के कारण वो आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। इसलिए एक्सक्यूज मी सर, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ सर। बट मेजर सुमन, आपके एंकल में चोट लगी है। सर, हम ऑफिसर्स के लिए खेल किसी जंग से कम नहीं।
जंग में एक सिपाही तब तक लड़ता है जब तक उसकी सांस चल रही है, तब तक लड़ता है जब तक वो जिंदा है। मेरे अंदर का सिपाही भी कुछ यही चाहता है सर, गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.